तो हेलो गाइस, क्या हाल चाल आपके। तो आज की वीडियो है एक फ़ुटबॉलर की ट्रू लाइफ की स्टोरी पे। और ये फ़ुटबॉलर है वन टाइम फीफा वर्ल्ड कप चैम्पियन, टू टाइम इंग्लिश प्रीमियर लीग चैम्पियन और वन टाइम यूईएफए चैम्पियन लीग चैम्पियन। द फुटबॉलर विद जीरो हिटर्स नाम है एन'गोलो कांते। तो एन'गोलो कांते का जन्म 29 मार्च 1991 को पेरिस फ्रांस में हुआ था, जो एक बहुत ही गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे, जो माइग्रेंट होकर माली देश से 1980 में फ्रांस में शिफ्ट हुए थे। तो बचपन में वो एक कचरा उठाने का काम करते थे और उनकी मदर सफाई का काम करती थी। तो देखिए, एन'गोलो कांते की ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट तब आया जब 1998 में फीफा वर्ल्ड कप फ्रांस में ऑर्गेनाइज किया गया। अभी तक कांते के लिए सब कुछ नॉर्मल था, बट 1998 के वर्ल्ड कप के फाइनल में फ्रांस की टीम पहुँच चुकी थी और उनका मुकाबला होने वाला था उस समय की बहुत ही दिग्गज टीम ब्राज़ील से। और वर्ल्ड कप के फाइनल में फ्रांस ने सबको हैरान करते ब्राज़ीलियन टीम को 3-0 से हराया और इस जीत को अपने नाम करके वो बन चुके थे वर्ल्ड कप 1998 के विनर्स। फ्रांस को वर्ल्ड कप जितवाने में उनकी सबसे ज़्यादा मदद करी थी माइग्रेंट खिलाड़ियों ने, जिसमें हेनरी एनेल्का, ज़िदान जैसे माइग्रेंट खिलाड़ी शामिल थे। और इससे पूरे देश में माइग्रेंट की छवि चेंज हो चुकी थी और देश में उनको अब सम्मान मिलने लग गया था। सो एन'गोलो कांते जो कि उन दिग्गज खिलाड़ियों की तरह माइग्रेंट थे, तो वो इस इंसिडेंट से बहुत ज़्यादा मोटिवेट हुए और उन्होंने 7 साल की छोटी उम्र में अपने एक दोस्त को कहा कि एक दिन वो इस वर्ल्ड कप की ट्रॉफी को अपने हाथ में उठाएंगे। वर्ल्ड कप जीतने के बाद फ्रांस देश में एक अलग सा जुनून हो चुका था फुटबॉल के लिए और 6 महीनों के अंदर अंदर ही हज़ारों फुटबॉल की अकेडमीज खुल गई और अब एन'गोलो कांते भी अपने आप को एक फुटबॉलर के रूप में देखना चाहती थी। और जिसके कारण उन्होंने 1999 में एक जैस सुरेन, जो कि एमेच्योर फुटबॉल क्लब था, उसमें ट्रायल देने की सोची। ट्रायल वाले दिन लगभग 100 बच्चे ट्रायल देने आए हुए थे। पाइट्रा बॉइंट जो कि इस फुटबॉल क्लब के कोच थे, उन्हें एक बच्चा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लगा और वो थे हमारे नन्हे एन'गोलो कांते, जिन्होंने ना तो कोई स्पेशल स्किल दिखाया ना ही कोई गोल मारा। कोच को उनमें सिर्फ एक क्वालिटी दिखी, वो सिर्फ दौड़े जा रहे थे बिना थके, सिर्फ दौड़ना। अपने अद्भुत स्टैमिना के कारण एन'गोलो कांते की सिलेक्शन इस क्लब में हो चुकी थी और जेस सुरेन में उन्होंने अपनी एंट्री की 8 साल की उम्र में 1999 में। शुरुआती दौर में उनके टीममेट्स उनके छोटी हाइट को देखकर उनके लिए अपने मन में बहुत अजीब विचार रखते थे, सोचते थे कि क्या ये खिलाड़ी टिक पाएगा, लंबे कद के खिलाड़ियों के बीच क्या ये अच्छा परफॉर्मेंस दे पाएगा। तो एक दिन लोकल टीम के साथ उनका मैच था, तो 10 मिनट बाकी थे तो उन्हें सब्स्टिट्यूट अपीयरेंस के लिए बुलाया गया। तो 10 मिनट में उन्होंने इतना अच्छा प्रदर्शन किया कि कोई भी ऑपोजिशन का खिलाड़ी उनके पार नहीं जा पाया। तो मैच ख़त्म होने के बाद चेंजिंग रूम पे उनके कोच ने सभी टीममेट्स को बताया कि देखो, इस लड़के ने 10 मिनट में बता दिया कि एक्चुअल में फ़ुटबॉल कैसे खेला जाता है। एन'गोलो थोड़े ही दिनों में अपने खेल के प्रति लगाव और मेहनत के कारण अपनी टीम का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा बन चुके थे। अब टीममेट्स उन्हें छोटा लेकिन फुर्तीला और फोकस खिलाड़ी मानने लगे। पर इन सब के अलावा कांते एक शर्मीले स्वभाव के थे और ट्रॉफी सेलिब्रेशन में वो सबसे दूर खड़े रहकर खुश रहते थे। एन'गोलो 11 साल तक इसी क्लब के लिए खेले, लेकिन अच्छा खेलने के बाद भी कोई टीम ने उन्हें स्काउट नहीं किया, क्योंकि जिस पोजीशन में वो खेलते थे, बॉल विनिंग मिडफील्डिंग, वहाँ पे खासकर लंबे कद के प्लेयर्स डोमिनेट करते थे। लेकिन हमारे नन्हे एन'गोलो छोटे कद के कारण इस चीज़ में मात खा रहे थे। आखिरकार फ्रांस की थर्ड डिवीजन टीम बलोन ने 2010 में उन्हें एमेच्योर कॉन्ट्रैक्ट पे साइन किया। साल 2013 में उन्हें लीग टू की टीम केन ने साइन किया। उनकी टीम से खेलते हुए उन्होंने अपने टीम को पहले ही सीजन में लीग वन की प्रमोशन दिलवा दी और साथ ही वो लीग के बेस्ट खिलाड़ी चुने गए और अगला सीज़न उनके लिए बहुत अच्छा रहा। पहले तो उनकी टीम रेलीगेशन से बची और दूसरा, उन्होंने इस साल पूरे यूरोप में सबसे ज़्यादा टैकल्स किए। और इस सीज़न एन'गोलो ने 37 मैच खेले, बट एक मैच उन्होंने सस्पेंशन की वजह से मिस किया था, क्योंकि उन्हें मिला था एक रेड कार्ड। और हैरानी की बात तो ये है कि एन'गोलो में आज तक पूरी लाइफ में एक ही रेड कार्ड मिला है और वो भी इसी मैच के दौरान। एन'गोलो के लिए ये सीज़न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि इस सीज़न के बाद उन पर बहुत ही बड़े बड़े क्लब्स ने अपनी नज़र बनानी शुरू कर दी थी, जिनमें लियोन, मार्से, लेवांटे, अर्सनल जैसी टीम्स शामिल थी। लेकिन इन सभी को छोड़कर बाजी मार के लेस्टर सिटी के स्टीव वॉल्स नाम के एक स्काउट ने बताया कि
जब उन्होंने एंगोलो का मैच देखा तो उन्हें ऐसे लग रहा था कि मैच में दो या तीन एंगोलो कांते खेल रहे हैं, क्योंकि वो जिस तरफ भी देख रहे थे उस तरफ सिर्फ एंगोलो कांते ही दौड़ रहे थे। तो फाइनली स्काउटिंग के बाद 3 अगस्त 2015 को लेस्टर सिटी एंगोलो कांते ने ज्वाइन कर दी। एंगोलो के लिए ईपीएल का स्टेज नया भी था और बड़ा भी, बट एंगोलो ने प्रदर्शन भी उसी हिसाब से किया। इसी साल लेस्टर सिटी ईपीएल चैंपियन बनी और इसी साल कांते को ईपीएल टीम ऑफ द ईयर में भी चुना गया। उस सीजन में उन्होंने पूरे यूरोप को अपनी एंट्री के बारे में बता दिया था। नेक्स्ट सीजन यानी कि साल 2016 में उन्होंने लेस्टर सिटी को कहा अलविदा और उन्होंने ज्वाइन किया चेल्सी को। और आपको बता दें कि 2015 की ईपीएल चैंपियन टीम लेस्टर सिटी 2016 के सीजन में उन्होंने फिनिश किया था 12th पोजीशन पे। और हैरानी की बात तो ये है कि इस सीज़न में सिर्फ एंगोलो कांते ही एक ऐसे की खिलाड़ी थे जिन्होंने लेस्टर सिटी को अलविदा कहा था। और एंगोलो ने 2016 में चेल्सी को ज्वाइन किया और इस सीज़न ईपीएल की विनर बनी चेल्सी। अब नन्हे एंगोलो कांते लगातार 2 बार इंग्लिश प्रीमियर लीग टाइटल जीत चुके थे और इसी साल एंगोलो कांते प्रीमियर लीग प्लेयर ऑफ द सीज़न भी चुने गए। और उनके उस समय के चेल्सी के टीममेट ईडन हजार्ड ने उन्हें रेड का नाम भी दिया था। और इसका कारण उन्होंने ये बताया कि एंगोलो कांते चूहे की भांति तेज़ कदमों से ऑपोजिशन के हर अटैक को रोक लेते हैं। और अब कांते के लिए धीरे धीरे सामने आ रहा था आज तक की सबसे बड़ी चुनौती, फीफा वर्ल्ड कप 2018। लेकिन वर्ल्ड कप शुरू होने के कुछ ही दिन पहले उनके भाई की डेथ हो गई थी। कांते के लिए एक बहुत ही बड़ी सैड न्यूज़ थी। और इन सब चीज़ों को पीछे छोड़ते हुए कांते ने 2018 के विश्व कप में हर एक मैच खेला भी और उसमें अच्छा प्रदर्शन भी किया। फ्रांस 2018 का फीफा वर्ल्ड कप चैंपियन बन चुका था और एंगोलो कांते का सपना भी पूरा हो चुका था, जो कि उन्होंने देखा था 1998 में। लेकिन शर्मीले नेचर के एंगोलो कांते ने अभी भी वर्ल्ड कप की ट्रॉफी को हाथ नहीं लगाया था और वो दूर खड़े सभी खिलाड़ियों को देखकर खुश हो रहे थे, जिसके कारण उनके टीममेट स्टीफन एंजोनी ने उनके हाथ में वर्ल्ड कप दे दिया। और उसके बाद जाकर एंगोलो कांते ने वर्ल्ड कप के साथ एक फ़ोटो खिंचवा ली। उनके वर्ल्ड कप के शानदार प्रदर्शन को देखते हुए उनके फ्रेंच टीममेट्स ने उनके लिए एक गाना भी गाया। और आप यकीन नहीं करोगे, पूरा स्टेडियम एंगोलो कांते के लिए वो गाना गा रहा था। और उसके बाद एंगोलो कांते ने 2019 में चेल्सी के लिए यूरोपा कप भी जीता था और इसी सीज़न 2021 की चैंपियन लीग टीम बनी चेल्सी, जिसको जितवाने में एंगोलो कांते का बहुत ही बड़ा हाथ था। और हमेशा की तरह ट्रॉफी सेलिब्रेशन में इस बार भी वो सबसे पीछे खड़े रहे। तो ये थी हमारे ज़ीरो एटीट्यूड वाले एंगोलो कांते की लाइफ स्टोरी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए और सबके साथ शेयर कर दीजिए। तो आज की वीडियो में इतना ही।